सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के पेपर लीक मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने लिखा, चुनाव की तारीख, संवेदनशील सूचनाएं व डेटा और लगातार लीक होते विभिन्न परीक्षाओं के पेपर दरअसल सरकार व व्यवस्था के गलत हाथों में चले जाने का परिणाम है। दोबारा इम्तिहान देकर दूसरों की गलती की सजा देश के बच्चे व युवा क्यों भुगते और इसकी क्या गारंटी है कि पेपर फिर से लीक नहीं होगा। गौरतलब है कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं के अर्थशास्त्र और 10वीं के गणित विषय का पेपर परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर लीक हो गया। इन दोनों पेपर की परीक्षा क्रमशः 26 और 28 मार्च को आयोजित की गई थी। जांच में दिल्ली के कुछ कोचिंग संस्थानों में इस मामले में शामिल होने की पुष्टि हुई है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। फिलहाल सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा दोबारा कराने की घोषणा कर दी है। सीबीएसई बोर्ड के इस फैसले का दिल्ली में छात्र विरोध कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मामले में बयान जारी कर अफसोस जाहिर किया था। पेपर लीक होने के बाद केंद्र सरकार व चौतरफा हमले हो रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग से पहले बीजेपी के आई सेल हेड अमित मालवीय द्वारा अब करने को लेकर भी बीजेपी सरकार बुरी तरह गिरी हुई थी। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।